सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब के साबका खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सोढ़ी साहब, बीजेपी में जाने का फैसला क्यों? फैसला इसलिए, मैंने पहले कहा कि आज पंजाब की अमन चैन पे खतरा है। आज पंजाब में जात पात के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोगों को उनका बंटवारा किया जा रहा है जात पात के नाम। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वोट देना बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत ही एक ऐसा गलत कदम हो जाएगा कि अगर इन लोगों को रोकथाम ना करी। और इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है जो नेशन को बचा रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनका इस टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अगुवाई कर रहे हैं इस हिंदुस्तान की। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनकी लीडरशिप में ये सब मसले जो हैं वो हल होंगे और पंजाब का अमन चैन हमेशा कायम रहेगा। आपने रेजिग्नेशन में लिखा कि पंजाब की सिक्योरिटी, पीस और हारमनी को खतरा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं कि सेक्रिलेज जो हो रहा है, जो बेअदबी हो रही है, वो एक गहरी चाल है। वो एक ऐसे लोग अंदर घुसे हुए हैं जिनको मौजूदा सरकार, लॉ एंड ऑर्डर उनके बस का रोग नहीं है, सवाए हमारी पार्टी में झगड़ा करने के। चाहे वो सिद्धू जी का झगड़ा है, चाहे वो चन्नी जी का झगड़ा है, चाहे किसी और का झगड़ा है, तो वो झगड़े में ही हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। हमने पंजाब के बारे में इन लीडरों ने नहीं सोचा। अगर सोच लेते तो मेरा ख्याल शायद ये मेरे को कदम ना लेना पड़ता। मैं जहाँ 40 साल मैंने कांग्रेस में रहा हूँ, तो मैं ऐसा कदम बड़े सोच समझ के लिया है कि पंजाब की अमन चैन को इस वक्त खतरा है। आपको मिनिस्ट्री से हटाया गया, इस बात की नाराजगी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैंने मिनिस्ट्री या अहदे के लिए छोड़ना होता कांग्रेस को, तो फिर मैं 2017 में छोड़ देता, क्योंकि जब 2017 में बना मंत्री परिषद बना, तो मेरे को उसमें मंत्री नहीं लिया गया था। मैं एक साल बाद आया हूँ। किसी से कोई डिमांड नहीं है। मैं देश के लिए आया हूँ, अपने पंजाब के लिए आया हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़ी करीबी माने जाते हैं, तो पंजाब लोग कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? उनका निशाना है, एक अपनी सोच है। इस पार्टी को पंजाब में और ताकत मिलनी चाहिए ताकि पंजाब का अमन चैन, पंजाब का किसान, पंजाब का नौजवान वो आगे बढ़े। और उसके लिए सिर्फ एक ही एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हर साय से लड़ेंगे चुनाव, ये तो पार्टी का हुक्म है, जो पार्टी कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राणा गुरमीत सोढ़ी, जिन्होंने अब भाजपा ज्वाइन की है, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो MHN प्राइम से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरा मैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHN प्राइम, दिल्ली।